टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन अंडर 20,000। इस प्राइस के अंदर आपको कई सारे 5G स्मार्टफोन देखने मिल जाएंगे, इस प्राइस के अंदर आपको एग्जिट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उसी के साथ इस प्राइस के अंदर आपको गेमिंग स्मार्टफोन भी खरीदना चाहते हो तो अच्छी खासी गेमिंग कर पाओगे। कुछ ऐसे स्मार्टफोन जो आपको हाई ग्राफिक्स में गेमिंग कर पाओगे। उसी के साथ ही एमोलेड कर्व डिस्प्ले का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर होगा। नो डाउट कैमरा क्वालिटी भी अच्छी खासी हो। तो दोस्तों, अंडर 20K आपको बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन चाहिए तो आप मोटो G82 5G को परचेज कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन में आपको OS का सपोर्ट देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पर डिस्प्ले की, 6.6 इंच की फुल एच डी प्लस की एक एमोलेड स्क्रीन देखने मिलती है। और आपको 120Hz वाला रिफ्रेश रेट है। आपके यहाँ पर 1000 nits की पीक ब्राइटनेस देखने मिलती है और एक OLED डिस्प्ले हो जाती है। बात करें यहाँ पर कैमरा क्वालिटी, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और 16 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। बैक साइड में आपको ट्रिपल रियर सेंसर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो नो डाउट इस स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। उसके साथ सेल्फी कैमरा इस स्मार्टफोन का बहुत ही बेहतरीन है। Qualcomm Snapdragon 695 का 5G गेमिंग प्रोसेसर हो जाता है तो 6 नैनोमीटर पर आता है। इसका अराउंड हम तो 4 लाख करीब आता है। आपको 5000mAh की बड़ी सी बैटरी देखने मिलेगी और 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। जैसे अपने स्मार्टफोन को फटाफट चार्ज कर पाओगे। तो वो प्लास्टिक का बैक है और 173 ग्राम का स्मार्टफोन आता है। आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने मिलेगा और स्टीरियो स्पीकर का भी सपोर्ट है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और 6GB 128GB के लिए आपको यहाँ पर 20,000 पे करना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। तो हेलो दोस्तों, अंडर 20K में कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो Realme के स्मार्टफोन का परचेज कर सकते हो। यहाँ पर 6.7 इंच की फुल एच डी प्लस की एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। और आपके यहाँ पर 120Hz का हायर रिफ्रेश रेट है। और आपके यहाँ पर 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा। उसके साथ आपके यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। तो नो डाउट इस स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। इस स्मार्टफोन में अच्छी खासी फोटो क्लिक कर पाओगे। Qualcomm Snapdragon 695 का 5G प्रोसेसर हो जाता है। अराउंड इसका आपके यहाँ पर 4 लाख इसका अंतर स्कोर आता है। इस स्मार्टफोन में गेमिंग वगैरह अच्छी खासी कर पाओगे। 5000mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिलेगी और 33W का आउटपुट चार्जिंग है। तो अपने स्मार्टफोन का फटाफट चार्ज कर पाओगे। इस स्मार्टफोन में आपको कोई भी बैटरी का इशू देखने को नहीं मिलेगा। इस स्मार्टफोन में आपको प्लास्टिक का बैक है, प्लास्टिक का फ्रेम है। 190 ग्राम का स्मार्टफोन हो जाता है। आपको यहाँ पर एंड्रॉयड 13 का सपोर्ट मिलेगा। स्टीरियो स्पीकर इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट है। और 6GB 128GB के लिए आपको 19,000 पे करना पड़ेगा और ये स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। तो हेलो दोस्तों, 20,000 के अंदर एक वन प्लस का स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो आप वन प्लस नॉट C3 Lite 5G को परचेज कर सकते हो। यह स्मार्टफोन हाल ही में लॉन्च है। इसमें आपको बेहतरीन से बेहतरीन फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको 6.7 इंच की FHD प्लस की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है। एक 120Hz आपको एक डिस्प्ले है और आपको यहाँ पर 680 nits की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है जो ट्रिपल रियर सेंसर है और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। नो डाउट इस स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। बात करें यहाँ पर परफॉर्मेंस की, यहाँ पर Qualcomm Snapdragon 695 का पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलता है जो 6 नैनोमीटर पर आता है और इसका अराउंड अंतर स्कोर 4 लाख के करीब आता है। तो गेमिंग वगैरह अच्छी खासी करवाओगे इस स्मार्टफोन में। और उनके पर 5000mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिलेगी। उसके साथ ही आपको 67W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। इससे अपने स्मार्टफोन को फटाफट चार्ज कर पाओगे। बात करें यहाँ पर हाईलाइट की, तो प्लास्टिक का बैक देखने को मिलेगा। प्लास्टिक का फ्रेम है। 195 ग्राम का स्मार्टफोन आता है। 8.3mm के थिकनेस पे आता है। आपके यहाँ पर एंड्रॉयड 13 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। उसी साथ आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट है। स्मार्टफोन की प्राइस की बात करते हैं, स्मार्टफोन आपको 20,000 के अंदर अमेजन पर अवेलेबल है, जैसे आप परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों, आपका बजट है 16 से 18 हज़ार के बीच में, तो इस प्राइस के अंदर आप पोको X5 5G को परचेस कर सकते हो। इस स्मार्टफोन को 6.67 इंच की फुल एच डी प्लस की एक सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलेगी। यार आपको 120Hz का हायर रिफ्रेश रेट है। उसके साथ आपको 1200 nits की पीक ब्राइटनेस देखने मिलती है और Gorilla Glass 3 का आपको प्रोटेक्शन है। 14 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा। उसके साथ ही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। और आपके यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, जैसे अच्छी खासी फोटो क्लिक कर पाओगे। Qualcomm Snapdragon 695 का पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर है। तो इस स्मार्टफोन में आप गेमिंग वगैरह बहुत ही अच्छी खासी कर पाओगे और आपको कोई लैग वगैरह नहीं देखने को मिल जाएगा। तो आपको 5000mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिल जाएगी और 33W का आउटपुट चार्जर है। और आपके यहाँ पर प्लास्टिक का बैग देखने को मिलेगा। प्लास्टिक का फ्रेम है। 189 ग्राम का स्मार्टफोन आता है और 8mm की इसकी थिकनेस है। और एंड्रॉयड 13 की स्मार्टफोन में आपको सपोर्ट देखने मिलेगा। और इस स्मार्टफोन को 6GB और 128GB के लिए आपको यहाँ पर 16,000 पे करना पड़ेगा। 20,000 के अंदर रनल वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन IQOO Z7 5G। 6.38 इंच की आपको फुल एच डी प्लस की एमोलेड स्क्रीन देखने मिलेगी। और आपके यहाँ पर 90Hz का रिफ्रेश रेट है और एक
1300 की पीक ब्राइटनेस देखने मिलेगी। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का डेप सेंसर है और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। ये स्मार्टफोन आपको बेहतरीन कैमरा क्वालिटी प्रोवाइड करता है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 का पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर है, जिसका अंतिम स्कोर आपको 5,80,000 के करीब आता है। तो ये स्मार्टफोन आपका गेमिंग के लिए बहुत ही तगड़ा है। प्लास्टिक का बैक है, प्लास्टिक का फ्रेम है, एंड्रॉइड 13 बेस्ड स्मार्टफोन आता है। आपके यहाँ पर हाइब्रिड सिम शॉट का सपोर्ट है, 4500 mAh की बड़ी सी बैटरी है और आपका 44 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जैसे अपने स्मार्टफोन को फास्ट चार्ज कर पाओगे। और बात करें स्मार्टफोन की बेस वेरिएंट की, और 6GB 128 GB के लिए आपको 19,000 पे करना पड़ेगा।